बुनकरों के शहर गोरखपुर में हुआ शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जिसे ऑर्गेनाइज किया अंसार नौजवान कमेटी ने, जिसमें शिरकत की निखत अमरूबी साहिबा ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कलाम पढ़ा। गीत भी आपको सुनाएंगे, आप जरा सा इनके साथ जुड़ के अगर सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और ये मुशायरे की सेहत और मुशायरे की कामयाबी के लिए भी बहुत जरूरी है। निखत अमरूबी हासिल करते हैं समाज की जगह। सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है, साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। असल में नौजवान और भूतपूर्व नौजवान दोनों यहाँ मौजूद हैं, मगर इस तरह की शायरी पसंद कर रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। अब मैं ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है, साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा। कि मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको, जो शोहरत मुझको मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर असर लगता है। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, मेरा पागलपन। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन। हुनर लगता है, हुनर लगता है, उसका हर रेप मुझे अभी हुनर लगता है, हुनर लगता है। और देखिए, प्यार मोहब्बत के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए, ना ही इश्क करना चाहिए, बुरी बात है। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, आईना सामने होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। निखत अमरूबी साहिबा, सामने होता है तो डर लगता। आपने उन्हें बुजुर्ग कह के डांट दिया, बेचारे तभी से सहमे हुए बैठे। आपको ये सब नहीं करना चाहिए, वो भी मजा ले रहे थे, उनको भी हक है कि वो आपकी शायरी पर दादो तहसीन से नवाजे और लुत्फ ले। चलिए, आप वो हाथ खोले हैं उन्होंने, तो जरा जोरदार तालियां बजा के आप इस्तकबाल कीजिए। और निखत अमरूबी से गुजारिश करता हूँ के कुछ और जरा सा एक दो गजल और सुना दे, ये गजल और रंगीन सी ऐसी पढ़ दें। कुछ लोग जो है वो अपनी उम्र से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो वक्त से पहले जवान होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों सूरतों में रसूलपुर में अब ये अंदाजा लग गया है
कि कुछ दिनों में नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे हालात में मैं तो ये कह सकता हूँ कि निकट अमरोही आपके हवाले, आप निकट अमरोही के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। असल में नदीम भाई, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। आपको पता होना चाहिए कि ये रसूलपुर वाले जितने भी हैं वो सब मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, तो इस तरह की बात मत बोलिए कि इन्हें थोड़ा सा तकलीफ पहुंचे। मैं बहरहाल मक्ता पढ़ती हूँ, अभी देखते हैं बहन भाइयों का मामला भी अभी सब सामने आ जाएगा, पढ़ना शुरू कीजिए। सुनिए मैं पढ़ती हूँ कि बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत, उसकी नकहत, बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत, आज भी यादों से महफूज है घर लगता है, घर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गोरखपुर में हुए शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की निजामत की हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने गोरखपुर में हुए इस शानदार मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया था अंसार नौजवान कमेटी ने। आप देख सकते हैं ये हैं वो लोग जो अंसार नौजवान कमेटी के मेंबर हैं, अहदेदारान हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो दोस्तों ये है विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में। आपने सुना कल रात एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो आयोजित किया था अंसार बिरादरान कमेटी रसूलपुर गोरखपुर है। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक लगाएंगे। अगर आपको और मुशायरे देखना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytopmedia.com लॉगिन कर सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफी खान गोरखपुर से रॉकी टॉक के लिए।